तो पता नहीं क्या हो है ये। ठीक है, हमारे साथ बहुत तो नाइंसाफी हो रही है। जिम्स और होटल बैंक्वेट्स जो हैं, जहाँ पे शादियाँ होती है बैंक्वेट्स में, आजकल तो बंद ही हो चुके हैं पार्कों में शादियाँ होना। ठीक है, जब से कोरोना हुआ है, ठीक है, जब से आया है इंडिया में, तब से ही बंद हो चुका है। तो सब कुछ बंद हो चुका है। ठीक है, बाहर शादियाँ होना टेंटों में लगा के होती थी, लेकिन पता नहीं क्या है यार ये। और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सो मेरा नाम है पार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं पार्थ शर्मा फिट। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, जब से कोरोना आया है ये जा नहीं रहा है। ठीक है, कोरोना एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, कोरोना मॉस्किटो इंसेक्ट के तरह बन चुकी है कि जैसे किसी को मलेरिया डेंगू हो जाता है तो उसी की तरह हो चुका है। पर ये बहुत ही घातक तरीक़ों से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही कि इसमें अभी इन्होंने कुछ 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। ठीक है, कई कई शहरों में लगाया है, ठीक है, स्टेटों में लगाया है, जैसे कि वैसे बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पे कोरोना थोड़ा बहुत हो रहा है, बट मुंबई और दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए इन्होंने इन्होंने मुंबई में तो लगाया था क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा मुंबई में आ रहे थे केसेस। ठीक है, तो केसेस तो बहुत आए थे, लेकिन अब दिल्ली में भी आने स्टार्ट हो चुके हैं केसेस। जैसे कि आपको पता होगा, मुंबई में तो सब कुछ लॉकडाउन लगा दिया है। ठीक है, तो अब दिल्ली में भी ये सब कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली में सारा तो बंद नहीं कर रहा, पर कुछ कुछ चीज़ें बंद कर चुके हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैंक्वेट्स और जिम्स, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। इन्हीं पे सब ज़्यादा जोर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा वो आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा, वो का जिम्स। ठीक है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई भी बड़ा आदमी आगे नहीं आ पाता है। बड़ा आदमी क्या, कोई भी बंदा जो जिम का ओनर हो वो भी आगे नहीं आ पाता है। ठीक है, उसी को सबसे पहले पकड़ते हैं कि आ भाई टेको बंद करते हैं। ठीक है, तो ये लोग पिछड़ जाते हैं पीछे। ठीक है, और बैंकर्स बैंकर्स वाले भी पिछड़ ही जाते हैं। ठीक है, तो लोगों का काम है सब बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग इसी पे ध्यान दे रहे? बाकी चीज़ों पे तो ध्यान ही दे रहे, जैसे कि सिनेमा हॉल्स, वो भी 30% पे खोल रखा है। अभी अभी इन्होंने इन्होंने खोल दिया है बैंक्वेट्स, बैंक्वेट्स भी इन्होंने खोल दिए हैं। ठीक है, वो भी 30% पे चल रहे, जिनकी शादियां हो रही हैं, वैसे नहीं बुकिंग वुकिंग के लिए नहीं, जिनकी शादियां होने वाली हैं वो उनको 30% पे कर दिया गया है। जिनका 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल से पहले पहले शादियाँ हैं, ठीक है, उसको भी 30% पे कर दिया है। 30% पासिस पे, जैसे ही गाड़ियों पर पास लगता है उस तरह से पासिस पे इन्होंने 30% पे इन्होंने कर दिया है। मतलब 50 आदमी लोग आ सकते हैं। ठीक है, 50 से 40 आदमी लोग आ सकते हैं। ये आवाज़ क्या आ रही है, झक्का हुआ है, सॉरी। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों पकड़ते हैं? जिम में भी तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, उसको सीधा डायरेक्ट आप करो, आप गवर्नमेंट से लिंक करो। ठीक है, जो भी ये गलत काम कर रहा है वो गवर्नमेंट देखेगी, एकदम से पकड़ लेगी। ये ऐसी चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वाले भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इनको सब चीज़ें राजनीति करनी है, ये सब करनी है कि चलो भाई बंद करो, ये करो वो करो। भाई आपके कहने से क्या हो जाएगा? भाई इतने टाइम से आपने 6 महीने 7 महीने आपने बंद कर रखा है जिम्स को, ठीक है, 8 महीने आपने बंद कर रखा है जिम्स को, तो ओनर लोग का क्या हुआ है? इतना उनके लिए लॉस हो गया। ठीक है, अब फिर आप बंद करो कि सबसे पहले जिम ही बंद होंगे। भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा है? वहाँ जिम्स में तो वैसे ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे आप उनको उनको लिंक करो ना सीधा, अलग अलग लोगों को दो लिंक करके, एक एक वेबसाइट बनाओ, उसके अंदर डालो कि जो जो बंदा मास्क नहीं पहन रहा है या कुछ गलत कर रहा है, जैसे हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहा है, डिस्टेंसिंग नहीं रखी है, उसको पकड़ो। क्यों आप ऐसे कर रहे हो?
सीधा आप पकड़ दो। पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है इनका। और ये आज से लागू कर दिया गया है। आज तारीख कितनी है, 17 तारीख है, तो आज से इन्होंने लागू कर दिया है। आज से 15 दिन के लिए इन्होंने लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत दिक्कतें आ रही है लोगों को, जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जैसे हम जैसे फिटनेस लोग हैं। हम लोग तो खैर बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, फिटनेस के लिए ही जाते हैं, अच्छे फिजिक बनाने जाते हैं। कई लोग हैं जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिनका कॉम्पिटिशन आ रहा है, मेरे को पता है कि कॉम्पिटिशन आ रहा है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत दिक्कतें हो चुकी हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें दिक्कत हो चुकी हैं, और जिनको शादी वादियाँ करनी थी उनका भी घर का खर्चा सब, जिनका इनकम आती थी वो भी उनकी बंद हो गई है। तो ये चीज़ें बंद होती है, बाकी चीज़ें क्यों खोल रखी हैं गाइस? बाकी चीज़ें भी तो बंद करो हैं, बाकी चीज़ें बंद नहीं करते हैं फिर बोलते हैं कि हमारा ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ में इम्पेक्ट आएगा, दिक्कत आएगी इन चीज़ों में। ये चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, बट इंडिया की गवर्नमेंट तो अब एकदम, समझ सकता हूँ। हाँ ठीक है कि इन्होंने लोगों को बचाने के लिए ये ऐसा करा है, ठीक है, लेकिन नहीं भाई, जिम्स को सबसे पहले नहीं पकड़ना चाहिए, बाकी चीज़ें भी तो देखो हैं। वहाँ जिम्स में सीसीटीवी कैमरा है, उससे लिंक करो। ये लोग ये समझेंगे नहीं, इनको बस राजनीति से मतलब है, अपने आप को ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। और मैं तो दिमाग ख़राब है कि दिल्ली के जो सीएम है उनको मैं बिल्कुल भी अगली बार वोट नहीं देने वाला हूँ। मैं क्या, कोई भी बंदा उसको वोट नहीं देगा, क्योंकि इतना गलत कर रखा है वो। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, लोगों से जनता से बात कर रहा है, टीवी में लोग उसको देख रहे हैं, और खुद मास्क नहीं लगा रखा, खुद मास्क नहीं लगा रखा है, इतनी गलत चीज़ें। हाँ मैंने तो अभी मास्क नहीं लगा रखा, अभी तो मैं यहाँ पे छत पर ही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे दीवार है, तो छत पर हूँ। तो वहाँ पर, यहाँ पर तो मैंने चलो मास्क नहीं लगा रखा, मैं अभी बाहर नहीं हूँ। तो उसको, उन बंदों को तो कम से कम आप बता रहे हो कि मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज करो, तो आप बता रहे हो तो खुद भी तो करो उसका पालन, बता रहे हो तो कम से कम खुद तो फॉलो करो उस चीज़ को। उस चीज़ को फॉलो करते नहीं फिर ये सब हो जाता है। तो ठीक है गाइस, ये मेरे को बताना था कि 15 दिन के लिए जिम बंद है, और अभी हम घर पर ही वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कब तक क्या होता है, ठीक है। सो देखते हैं 30 तारीख के बाद भी दोबारा खुलता है नहीं खुलता जिम्स। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और बस 200 सब्सक्राइबर जल्दी कराइए, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, साइड में लिंक आ जाएगा, ठीक है। पहले सब्सक्राइब कर देना, सॉरी सब्सक्राइब कर देना, पहले नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जो दबाना, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन दबाना, तभी आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ पाएगी कि भाई की वीडियो आ चुकी है। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, जितना आप अभी तक सपोर्ट दिखाए हो सपोर्ट दिखाते रहो, ठीक है। शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है, सबके सब तक, ठीक है। और साइड में इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा, वहाँ पर फॉलो कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके फॉलो करो। वहाँ पर अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाने की कोशिश करता हूँ, फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट बहुत अच्छे अच्छे आते रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे फॉलो कर देना। तो ठीक है गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे फिट, स्टे ऑसम, और माता से प्यार करें, देश से प्यार करें, हेल्दी रहें, अपने परिवार को हेल्दी रखें। जय हिंद, जय भारत।